तहगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मोहार में सतना सांसद गणेश सिंह एवं क्षेत्रीय विधायक श्रीमती कल्पना वर्मा का प्रवेश निषेध पोस्टर हुआ वायरल। सतना चित्रकूट रोड के जंगल बगदरा घाट में दो ट्रक एक साथ पलटे, एक ट्रक में लकड़ी वहीं दूसरे ट्रक में सीमेंट भरी थी। सतना से जाते हुए घाट उतरते वक्त पलटे दोनों ट्रक। शहर की अधिकांश शराब दुकान बंद होने के कारण सिविल लाइन शराब दुकान में लगी भीड़, सड़क तक खड़ी है गाड़ियां, पुलिस प्रशासन नदारद। चूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर अवदेशानंद गिरी महाराज ने मैहर पहुंचकर मां शारदा की पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। विश्वकर्मा जो विंध्य प्रदेश के सतना रेलवे स्टेशन की पहली स्टेशन मास्टर बनी, मूलतः रीवा निवासी छाया बेटिया ने विगत दिनों भुसावल में JDS में ट्रेनिंग लेकर जबलपुर मंडल के सतना में अपना पदभार संभाला। टीकमगढ़ के कुछ बंदिया मोहल्ले में पुलिस की रेड, पुलिस ने कच्ची शराब दुकान बनने वाली सामग्री को जमीन में खोदकर निकाला किया नष्ट, किसी की गिरफ्तारी नहीं, लगातार पुलिस करती है रेड। कुछ बंदियों का एक ही रहता है काम, कच्ची शराब बनाना। सतना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास बगहा में चल रहे समर कैंप का हुआ समापन। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला कलेक्टर अनुराग वर्मा, CEO जिला पंचायत झाड़े, DPC विष्णु त्रिपाठी समेत समस्त अधिकारीगण मौजूद रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन श्याम नगर वार्डन चारू लेखा बड़ोलिया द्वारा किया गया। अस्पताल में मरीजों का गर्मी से हाल बेहाल, क्योंकि अस्पताल के पंखे हैं सभी खराब, अधिकारियों से पूछने पर कोई जवाब नहीं। उनका कहना है हमारी ड्यूटी है दबा करने की, पंखे क्यों बंद है यह अधिकारी जाने। अमरपाटन में लाडली बहना योजना का लाभ मिलने के बाद लाडली बहनों में आई खुशी की लहर, सरकार को दिया धन्यवाद। लाडली बहना का पैसा 1,000 हमारे खाते में निकाली, सरकार को धन्यवाद। अगले 24 घंटे में और विकराल रूप लेगा विपरजॉय, 120 की स्पीड में चल सकती है हवाएं, गुजरात पर मंडरा रहा है खतरा। अरब सागर से उठा तूफान धीरे धीरे उत्तर पूर्वोत्तर की तरफ बढ़ रहा है। विपरजॉय रविवार या सोमवार तक गुजरात पहुंच सकता है, इसको देखते हुए NDERF की टीम को तैनात कर दिया गया है। यूपी की राजधानी भोपाल में हुआ बड़ा हादसा, तालाब के किनारे की मिट्टी के धंसने से 2 महिलाओं की हुई मौत और 4 महिलाओं को सुरक्षित निकाला गया। यह घटना भोपाल के सूखी सेविनिया इलाके के बालमपुर गांव की है। ये महिलाएं घर की छपाई व पुताई के लिए तालाब के किनारे मिट्टी खोद रही थी, तभी मिट्टी का बड़ा सा ढेर धंस गया। मौके पर पुलिस और NDERF की टीम ने 4 महिलाओं को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला।